फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक नया मॉडिफिकेशन, जिसके बारे में जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स उनको पता होगा कि कौन सा होने वाला है। अभी तक जो इस मॉडिफिकेशन की सीरीज़ के अंदर हमारे जो हो चुके हैं वो है एक तो फ्लैशर जो कि आगे लगा हुआ है, एटमॉस्फेयर लाइट जो कि भी बंद है, और साथ में एम्बियंट लाइट जो कि आप देख चुके होंगे वीडियो। अगर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, और भी बाकी वीडियो उनकी लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन आपको। अब जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन हमारा आ गया है वो है अंडर बॉडी लाइट, ठीक है। तो अंडर बॉडी लाइट में हम इसको काम में ले रहे हैं, और लाइटिंग जो होने वाली है वो ग्रीन होने वाली है। तो ये ख़रीदा था हमने इसको, इसके ख़रीदने की वीडियो बनाई है मैंने कि हमने कहाँ से खरीदा। अगर आप जयपुर से हो तो आप जयपुर से खरीद सकते हो इसको, और किस जगह पे खरीद सकते हो मैंने डिटेल में डाल दूंगा, डिटेल में डाल भी दिया है साथ में, उस वीडियो में आप देख सकते हो ढंग से प्रॉपरली। तो ये जो टोटल 20 का सेट आता है, तो हम टोटल 40 लिए हैं। तो ये 1, 2, 3 मतलब एक ये, दूसरा ये, तीसरा इस तरीके से है। फिर इसको टोटल 40 लिए हमने, एक 20 का सेट है, और होगा किस तरीके से इंस्टॉलेशन। एक साइड में, लेफ्ट साइड में आ देंगी अपनी 10, फिर राइट साइड में भी 10, फ्रंट के अंदर 5, रियर में 5। तो कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएंगे इसका, किस तरीके से बैठता है वो कर देंगे अपडेट आपको उसके ऊपर। तो हालांकि अभी ये है, इसकी जो प्राइस है इस अकेले सेट की 140 है, और दो हमने सेट लिए तो 40 लिए, तो इनकी प्राइस होगी 280, ठीक है। तो ये तो प्राइसिंग होगी इसकी, बाकी इसको चलाना वलाना कुछ नहीं, अलग से नहीं है। 12 वोल्ट के ऊपर चल जाती है, तो उनको कोई अलग से ऐसा कुछ देने की जरूरत नहीं है। इसका जो वायरिंग वगैरह होगा, वायरिंग वगैरह के लिए अलग से वीडियो होगा, वो सबसे एंड में डलेगा। तो कोई वायरिंग वगैरह कहाँ से ली हमने, मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दूंगा इस वीडियो के अंदर, पर हमने किस तरीके से काम किया है। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो हमारे इधर कर सकते हो, पर हमने प्रॉपरली किस ढंग से किया उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि ये कुछ मतलब झमला नहीं बैठे। और अभी बताया था वायरिंग कैसे हुई और कहाँ पे हम लगा रहे हैं इसको, कैसे लगा रहे हैं, कैसे सोल्डरिंग वगैरह या जो भी चीज़ें हो रही हो कैसे कैसे हो रही हैं। तो चलो चलते हैं गाड़ी के बाहर। तो ये अभी हम नीचे आ चुके हैं गाड़ी के, और इतना पेस्ट कर चुके हैं। तो लगाने की प्रोसेस ऐसी है कि इसके पीछे टेप आती है, उस टेप को उतार दो, और उसके ऊपर हम फेविक्विक का यूज़ कर रहे हैं, ताकि ये जो जोड़ है ये मजबूत बना रहे और पानी के अंदर भी ना टूटे। फेविकॉल का टूट जाता है पर इसका नहीं टूटेगा। तो इसके अंदर ऐसा सीन है कि जैसे अभी ये 3-3 का जो सेट आता है, ये 3-3 के सेट को आप अलग से काट सकते हो। अगर आपको 3-3 का सेट वाला कुछ मतलब आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो ये हमने कर चुके हैं, और ये बैलनों के अंदर हमने किया है, अंडर बॉडी में भी इसको यूज़ किया है। ग्रीन कलर नहीं, कलर दूसरा था, इसके अंदर मल्टी कलर आते हैं, बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। तो ये हमने यूज़ किया था बैलनों के अंदर अलग से, ग्लो बॉक्स के अंदर, बूट में, और नीचे ऊपर कई जगह पे। तो अब ये प्रॉपरली यहाँ पे लग चुकी है, ये हम रियर से फ्रंट में देख रहे हैं। हमने इस पार्ट पर लगाई है, तो प्रॉपरली इस मेटल वाले पार्ट पर लगा दिए, और क्लीन करने पहले, क्लीन किए बिना नहीं करना है। तो आगे लग चुकी है, आगे दिखा देते हैं। और कनेक्शन के लिए वायर हमने यहाँ से इस जगह से लिया है, और अंदर से दिखा दूंगा आपको, बाकी इस जगह पे वो जगह आती है उस जगह से ले लिया। और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए ग्लू गन की बहुत ज़रूरत होती है, तो अभी इस ग्लू गन का यूज़ भी करेंगे, क्योंकि वाटर पानी है, जोड़ तो मजबूत हो गया, पर इसको वायरिंग वगैरह उसको भी मजबूत करना पड़ेगा पानी के हिसाब से। तो इनको जहाँ पे भी जिस जगह पे भी कनेक्शन हैं, जो छोटी छोटी जगह हैं, इन जगह ग्लू गन लगा देंगे। और ग्लू गन भरना बहुत ज़रूरी है अंडर बॉडी लाइट में। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर को बताते हैं हम कनेक्शन वगैरह कहाँ से लिए हैं। तो कनेक्शन वगैरह के लिए हमेशा मैंने, जैसा कि मैं बताने जाऊँगा उस वीडियो के अंदर जो वायरिंग वाले मैगा, यहाँ पे मेरे स्विचेस हैं, ये छुपे हुए दो रुस्तम, दो इधर, 4 हैं टोटल। तो इसमें अंडर बॉडी का एक स्विच होगा, अंडर बॉडी स्विच से टोटल 4 जगह पे वायर जाएंगे, जो कि होगा लेफ्ट, एक राइट, एक फ्रंट और एक रियर, ठीक है। 4 जगह मैं इसमें लगाने वाला हूँ। तो वायरिंग जो जाएगी ना, वायरिंग वो लिए है हमने इस जगह से, ठीक है, इस पैनल के पीछे पीछे से और यहाँ तक। इस जगह पे एक हमको मिल जाता है, एक मतलब आर पार करने के लिए एक जगह मिल जाती है, जिसको आप बोल सकते हो एक मतलब प्लास्टिक का सा मिलता है, उसमें आप कर सकते हो। उसमें अभी हमने ग्लू गन लगा दिए, ग्लू गन से ग्लू लगा दिए, तो टेंशन नहीं है पानी वानी की। तो ग्लू का यूज़ इसलिए बहुत ज़रूरी है, ग्लू का यूज़ होना चाहिए, अदरवाइज वाटर रेजिस्टेंसी वाली दिक्कत जो ये रहेगी रहेगी। इधर की वायरिंग, ये लटक रही वायरिंग, तो ये अंदर से आई है, तो ये होगी हमारी नीचे की। अब बात करते हैं पीछे की वायरिंग की। तो ये राइट में भी सेम जिस जगह से, और लेफ्ट में भी सेम उसी जगह से, ये तो होगी लेफ्ट राइट की। अब बात करते हैं बूट की,
तो सबसे पहले बूट ओपन कर लेते हैं, बताते हैं यहीं से पहले बूट की कहाँ से ली हमने। यहाँ से जो स्विच से जो वायर गया अपना, स्विच से यहाँ से होता हुआ और इधर गया, ठीक है। तो उधर जाके उस पॉइंट पर जाके नीचे चला गया और वहाँ से ही हमने पीछे लिया। तो पीछे वाली वायरिंग दिखाता हूँ वो कहाँ से कहाँ गई है। हालांकि आपको यहाँ पे अभी वायर दिख रहा होगा, तो वो वायर का काम भी कंप्लीट हुआ नहीं है, वायरिंग वाले डायग्राम के लिए बाकी है। तो कैसे बिल्कुल केबल टाइप वगैरह प्रॉपरली इसको करके और फिट कर देंगे बिल्कुल, ताकि 1% भी ना दिखे। हालांकि बेटा वटकर कुछ भी नहीं है, पर प्रॉपरली फिट होना बाकी है। तो वायरिंग यहाँ से पीछे की तरफ गई, बूट खोलते हैं, पीछे की तरफ जा रही पीछे यहाँ से इस सीट के नीचे से होती हुई और पीछे निकाली हुई, दिखाता हूँ कहाँ से। बूट खोल लेते हैं, थर्ड आया, ये हमारा टूल बॉक्स जो काम आता रहता है। इसकी वीडियो देखनी है आपको तो लिंक में जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये हमारा कुछ सामान पड़ा रहता है, वैक्स पॉलिश और ये हमारे नेम टैग और ये साफ ऑफ करने का। तो यहाँ पर आ गई वायरिंग, ये हमको पहले से मिलती है लाइट, ठीक है। ये XMS मॉडल के अंदर आती है आजकल, पहले शायद ये बेस मॉडल में इसमें आती नहीं थी, एक्सएम मॉडल में मुझे कंफर्म नहीं, पर बाहर के कुछ वीडियो में देखा मैंने उस हिसाब से। तो ये कुल मिला के बाद यहाँ पर आते हैं, तो वायरिंग के लिए कुछ जगह वहाँ पे है, उस जगह से वायरिंग आई है। अंडर आइए बिल्कुल कारपेट वगैरह के नीचे से, तो कोई टेंशन नहीं वाली बात नहीं, और यहाँ से भी कारपेट के अंदर जाएगी। निकली कहाँ से दिखा देता हूँ आपको मैं, इसको उठा के, अभी उठाना थोड़ा सा मशक्कत भरा हो जाएगा, बाकी नीचे से दिखाता हूँ आपको। ये दिख रहा है आपको, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ, ये नहीं, ये तो इन जगह से अपन ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, वही ग्लू भर देंगे यहाँ से। मेन जो काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि पानी ना घुसे, बस मैं आपको 3-4 बोल चुका हूँ, क्योंकि बहुत मेन चीज़ है पानी वानी की, बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि पानी में घुस गया ना बॉडी के अंदर रस्टिंग आनी शुरू हो जाती है, फिर ये दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। मतोड़ा है तो इसमें से ले लेंगे, ठीक है, वही सेम पॉइंट है आगे वाले जैसे, और फिर करके फिर आपको दिखाते हैं। जब भी लगाओ क्लीन करके लगाना, 1-2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना हमेशा। तो अभी ये ग्लूगन वगैरह लगा दिए, ग्लूगन वगैरह हमने इस पे लगाई है, ठीक है, ताकि प्रॉपरली सेट रहे और चिपकी रहे। और इस जगह पे जो वायरिंग है, वायरिंग के ऊपर भी ग्लूगन हो चुकी है इस जगह तक, ये ग्लूगन को उतरता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और हमने नेगेटिव दिए इस पॉइंट से, ठीक है, नेगेटिव यहाँ से हो गया, ठीक है। ये होगी हमारी दो, एक साइड की ये और दूसरी साइड भी वैसे सेम लगानी है, कुछ डिफरेंस नहीं है। और पीछे वाले में मिलते हैं और आगे वाले में मिलते हैं। तो अंडर बॉडी लाइट के लिए जो पीछे वाली लाइट ली है, उसके लिए पॉजिटिव वायर तो आगे क्या था जो कि बता दिया था मैंने आपको, डायरेक्ट वो आ रहा है। नेगेटिव उसके नीचे की तरफ हमें कोई मिला नहीं, तो हमने नेगेटिव साथ साथ में ले जाके और यहाँ से दिया है इस पॉइंट से, और पूरा काम कर रहा है। नीचे की तरफ कोई नेगेटिव के लिए पॉइंट मिला नहीं, जरूर बोल्ट जरूर लगे पर नेगेटिव आ रहा नहीं है। तो अब दिखाते हैं आपको नीचे का, फिर दिखाते हैं फ्रंट। तो नीचे कुछ इस जगह से स्टार्ट हुई है और वहाँ तक गई है, ये थोड़ा सा चिपकेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं हमारे पास में। और ये नीचे से यहाँ बीच में आ जाएगा आपका एग्जॉस्ट का, तो यहाँ पे भी कुछ हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ जो हमारी लास्ट लगी है उसके लिए इस जगह पे, इसके लिए वायरिंग जो हमने इसके पीछे से ली है, इस पार्ट के इसके पीछे से ली है। तो ये पूरी कुछ इस तरीके से दिख रही है, वही ग्लू वाला सारा काम कर दिया है। और फ्रंट वाली के लिए ये आपको दिख रहा होगा फ्रंट वाला, तो फ्रंट वाले के लिए जो हमने इनपुट दिया है वो अंदर से ही दिया है, जो कि डैशबोर्ड के नीचे से होता हुआ आ रहा है। और नेगेटिव इसका हमने पिक किया है यहीं से, जो कि है इस वाले बोल्ट से, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बोल्ट से, यहाँ से नेगेटिव पिक कर लिया और पॉजिटिव हमारे आगे से आ ही रहा है। प्रॉपर काम कर दिया ग्लूगन वगैरह लगा के। अब आपको आउटपुट दिखाता हूँ दिन के टाइम पे, ठीक है। तो ये बटन यहाँ पे हमारे लगे हुए 4, और इसका प्रॉपरली आपको वर्क देखना है किस तरीके से कनेक्शन किए, तो वायरिंग डायग्राम वाले वीडियो के अंदर मिल जाएगा आपको, जिसका थोड़ा 2-3 दिन में डालेंगे। अभी हमारे स्विच जो है ये है अंडर बॉडी का, और अभी ऑन है, तो अब दिखाते हैं बाहर से। और लास्ट में 360 फ्रंट कौन बोलेगा, फ्रंट
दूसरी साइड बूट का बम जिसमें एक दरी है, अलग ही चमक रही है पूरी है। तो दिन में ये ब्राइटनेस है जो कि इतने ढंग से विजिबल हो रही है, और अभी आपको पता पूरा दिन हो चुका है, बाहर धूप वगैरह बढ़िया तरीके से आई है। तो अभी रात के टाइम क्या हुआ उसका आउटपुट भी देखना, और हम भी देखेंगे कैसा एक नंबर होने वाला रात का आउटपुट। चलो कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, और लाइक कैसा, हाँ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो और कैसी लगी हमारी ये लाइट और कैसा लगा आउटपुट। आपको दिख रही है भी इतना बहुत नीचे से दिख रही है मेरे को, मैं खुद बैठा हूँ मेरे को दिख रही नहीं है, मेरी कैमरा एंगल बहुत नीचे है। थैंक यू।